गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे वरना, ये ब्रांड न्यू कार है, आप देख सकते हैं टॉप एंड मॉडल गाड़ी है। इसमें हम लगाएंगे एम्बिएंट लाइटिंग और भी थोड़ी सी हमें इसमें एक्सेसरीज ऐड करनी है। ये वाला स्पॉइलर भी हमने इसमें लास्ट टाइम लगाया था। आज का इसका काम जो है एम्बिएंट लाइटिंग है वो 10 पॉइंट वाली गाड़ी की K3 वाली इसमें लगाएंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं बोर्ड वगैरह खोलिए गए हैं उस साइड भी इस साइड भी, तो कनेक्शंस का काम जो है चल रहा है। ये डोर पैनल हमने सारे खोल लिए, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी क्या खासियत है गाड़ी K3 की। अगर हम नॉर्मल लगाते हैं तो उसकी जो पाइप है बाहर बाहर रहती है, ये आप देख सकते हैं। जैसे हम इसमें फिट की ये वाली आप पाइप देख सकते हैं, ये बिल्कुल OEM टाइप में लगती है। इसमें एज टू एज आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग आई है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें एम्बिएंट लाइट फिट हुई है। और कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, इजी इंस्टॉलेशन है। यहाँ पर इसकी जो वायर है यहाँ से कोने से अंदर चली जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं। और इस वाले में भी अभी काम चल रहा है। गाइज फाइनली गाड़ी हो गई है रेडी। मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा इसके सारे फीचर्स, जो आप देख सकते हैं। आपको अभी पता नहीं चल रहा है इसमें एम्बिएंट लाइटिंग हमने इसमें फ़िट की है, और नीचे वाली स्कफ प्लेट हमने इसमें फ़िट करी थी ब्लैक विद ब्लू लाइटिंग। तो अभी अंदर से ये लाइटिंग जो है बंद है, आप गेस कर नहीं पाओगे कि इसमें हमने एम्बिएंट लाइट फिट करी है। आपको दिखाऊंगा पीछे की तरफ से, ये आप देख सकते हैं, ये पीछे के रहे स्कफ प्लेट, तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा गाड़ी का लुक कितना अच्छा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं 1, 2, 3। तो गाइज ये हो गई है एम्बिएंट लाइट ऑन, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है गाड़ी का। और इसकी जो ब्राइटनेस है ना, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। ये अभी डे का टाइम है, ये आप देख सकते हैं, अभी दिन में इसकी ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूँ मैं। ये नीचे की साइड से भी आप देख सकते हैं, ये 10 पॉइंट वाली हमने इसमें लगाई है, तो आप देख सकते हैं अंदर से कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। ये भी डे का टाइम है, तो रात में ये और निखर के आ जाएगी और इसकी ब्राइटनेस हाई हो जाएगी, आप देख सकते हैं नीचे की साइड से भी। मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कोई सा भी कलर हम इसमें रख सकते हैं, ये ऐप कंट्रोल्ड भी होती है। जैसे ग्रीन हमने सेलेक्ट किया, ग्रीन नीचे से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लू, येलो, बाकी सारे बहुत सारे कलर इसमें होते हैं, और ऐसे करके भी इसमें कलर हम सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी रेड पे पहुंच गया, रेड आ जाएगा, येलो पे, ग्रीन पे, सारे कलर। एक और फीचर इसमें है, जैसे आप देख सकते हैं ये हम ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैं ब्राइटनेस कम करूँगा ना, उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिक होगी। अब वापस से हाई करूँगा ऑटोमेटिक। अगर आपको मीडियम रखनी है तो मीडियम पर भी आप रख सकते हैं। अभी इसकी भी रोशनी जो है, ब्राइटनेस मीडियम पर भी बहुत अच्छी आती है। जैसे पूरा हाई करेंगे तो आप देख सकते हैं। इसके और फीचर्स भी होते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी मैं म्यूज़िक पे भी इसको ट्राई कर रहा हूँ। जैसे ही गाड़ी के बीट्स हाई होंगे ना, इसके उतने ज़्यादा कलर चेंज होते रहेंगे। अभी म्यूज़िक पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो जितने भी बीट्स गाड़ी के बजेंगे तो इसकी भी लाइटिंग जो चेंज होती रहेगी। गाइस ये वाला कलर आप कमेंट करके बताना, ये कलर कैसा लग रहा है इस गाड़ी में। ये गाड़ी बिल्कुल नई गाड़ी थी, बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि वारंटी वायर तो नहीं होगी, वारंटी वायर तो नहीं होगी। ये सारा जो काम होता है ना, कबलर टू कबलर काम होता है। कस्टमर ने भी पहले बताया था वारंटी का कोई इशू तो नहीं आएगा। हमने उसको पहले बताया हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, हम फ्यूज़ की वायर से इसको कनेक्ट करते हैं, कोई भी तार कंपनी के कट नहीं करते हैं। गाइस अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहेंगी, कार रिलेटेड के, कार मॉडिफिकेशन के रिलेटेड वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। तो करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड, अब देखिए वीडियो थोड़ा आगे।